Welcome back to another video of 2021. It's the first vlog for 2021 and see where I am. I'm in front of the Phoenix Mall. Abhi Phoenix Mall pe aaya tha. Surprisingly, it says ki it will open at 11 AM. Parking ke liye bhi 11 AM ko wait karna padega. That's the whole point. And dekho kya utna sajavat to nahi hai. But Phoenix ka entry gate to thoda sa sajavat dikh hi raha hoga. दिक्कत ये है कि मुझे हर बार अपने बाइक को स्टार्ट करने के लिए किक मारना पड़ेगा. अभी बीच रोड पे मुझे वही करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो बाइक का बैटरी है इट्स बीन फुल्ली डिस्चार्ज. Things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Everyone is waiting for the Phoenix Mall to open. शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि 11 बजे, लेकिन ऐसा नहीं था. इवन इन द लॉकडाउन जब आई गेस जुलाई में या जून में मैं आया था तो 7 बजे ओपन हो गया था क्योंकि इसके अंदर स्टार बाजार है जो 7 बजे ओपन होता है बिकॉज ग्रोसरीज के लिए. एंड इस समय अभी सारे बाहर वेट कर रहे हैं. इफ यू कैन सी इवन जो लोग पैदल आए हैं वो लोग भी. So I parked my vehicle here at P37 and yes, parking change हो गई इंग्लिश. Surprisingly parking has changed. पीछे वाले कर रहे हैं, मुझे लगा कि वो गंदा जगह होगा बट अभी ऊपर करके ऊपर से दे रहे. That's pretty good. I liked it. मेरे को ऐसा लगा स्टार्टिंग में कि मैं कहाँ ऊपर चला चढ़ा के like this small short of video that I created just now. I'm going to show you something very amazing here. And then she tries to hold her tears back. Her hands are shaking. Here comes our Wonder Woman. मैंने Phoenix Mall का पहले ही ब्लॉग बना चुका हूँ इसलिए इसका फिर से एक पर्पस नहीं है बनाने का. बट पहला ब्लॉग है 2021 का. सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर and hope you guys would have enjoyed a lot. अभी देखते हैं जितना भी होता है आपको दिखाएंगे और मजे करवाएंगे आपको. एक अच्छी बात है कि अब थोड़ा जहाँ जहाँ जैसे मैकडोनल्ड्स का जो स्टैचू वाला था वहाँ पे भी पहले बैठने के लिए मना किया जा रहा था, अभी वो ओपन कर दिया गया. एंड फुल शॉप्स, ऑल दी शॉप्स आर फुल्ली फंक्शनल. दैट्स समथिंग वेरी गुड. यहाँ पे इतनी सारी ब्यूटी है ना, जिस हिसाब से डेकोरेट किया गया देखने में बहुत मज़ा आता है. जैसे अभी फिर से मैं आपको दिखाता हूँ. अगर मज़ा आ गया हो तो लाइक मार दो. द रीज़न वाई आई एम हियर इन Phoenix Mall. अभी चलो आपको आगे की कहानी बताता हूँ यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ इस पर. अब हो गया है मेरा मास्क टूट गया. बेसिकली मैं DIY में इसीलिए आया था. एंड अगर आप लोग फॉलो करते हो जो मुंबई का निखिल है, ही केम टू Phoenix Mall पुणे एंड ही सेड दैट DIY स्टोर हैज ओपनड हियर. मुझे ये पहले से ही पता था क्योंकि DMart के बगल में खुला हुआ था बट आई वॉज नॉट श्योर कि वो है किस चीज़ का. तो मुझे लगा इनोवेटिव है और है भी बट मेरे काम का अभी कोई चीज़ नहीं था. सो आई हैवंट परचेज एनीथिंग. ये वाली ट्री मैं जब भी देखता हूँ ना, एंड आप लोग भी रिलेट करना, अवतार मूवी में एक बड़ी सी ट्री थी जिसको काटने के लिए हटाने के लिए वो पूरा प्लान बनाया गया था. इट लुक नॉट लुक सिमिलर टू दैट बट हमेशा वो उसी चीज़ का याद दिलाता है मेरे को. आ ही गए तो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते, सब्जी वब्जी खरीद लेते क्योंकि कुछ है नहीं. लेट्स परचेज समथिंग. मेरा मास्क टूट गया था तो उधर जो सिक्योरिटी वाली मैम है उन्होंने मुझे नया मास्क दिया. दैट्स अ गुड जेस्चर. अदरवाइज मैं बिहार में था तो वहाँ पर 10 रुपये चार्ज कर रहे थे इसी मास्क का. आई लाइक डेट. पुणे यू आर डूइंग ग्रेट. स्टार बाजार यू आर डूइंग ग्रेट. ओके सो द कैच हियर इज इट्स अ बिट कॉस्टली है. मैंने प्राइस कंपेयर किया है सारे वेजिटेबल्स जो भी हैं एवरी स्टेप्स. इट्स अ बिट कॉस्टली सो
आई हैव ड्रॉप्ड द प्लान ऑफ परचेजिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम हियर. वी विल आइदर गो टू डी मार्ट और लंच फ्रेस्ट शॉप. मैंने एक की चोरी पकड़ी. आई हैव नॉट शूटिंग एट द टाइम वरना बहुत दिखा था. एक लड़का था जो भी जो स्टाफ था एंड टू लड़की थी जो दो भी स्टाफ थी. तो वो एक लड़की घूमी हुई थी उसको वो इशारा कर रहा था कि मैंने फ़ोन पे कुछ तो भेजा है मैसेज भेजा है समथिंग एल्स. मैं जैसे ही गया तो पकड़े गए वो बेचारे. आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर बट प्राइसेस आर टू हाई एवरीवेयर. बहुत जगह हाई है. इवन नॉर्मल मटेरियल भी शॉप करने जा रहा था स्टार बाजार में इट वॉज अ बिट कॉस्टली. आई वॉज सरप्राइज. लेट मी लीव बिकॉज 11 बजे आया था एंड नाउ 11:30 हो. इट्स टाइम टू लीव. देयर इज नथिंग मच दैट आई कैन डू एक्सेप्ट दिस. ये वाला तो कोई फॉलो करता ही नहीं है इतना गैप में. लगा था आज मैं गुम होऊंगा ही पार्किंग में एंड वही हुआ. आई डोंट नो वेयर टू गो फ्रॉम वेयर आई कैन सी माई पार्किंग एरिया. आई एम अ बिट कंफ्यूज टुडे. ऐसा नॉर्मली होता नहीं है फिनिक्स में. फिनिक्स बड़ा है बट मेरे साथ नहीं होता. इसके साथ एक फोटो बनता है भाई. सो क्यूट वन. सो टाइम टू लीव. मेरा पार आ चुका है. नाउ आई विल बी लिविंग from Phoenix Mall. Now, as per what I remember, it's P7, जिसके साइड में मैंने पार्क किया था. Let's see, and I'm confident that I will be able to find out my bike. And here my Fascino is. ये देखो. अब किक मार के इसको स्टार्ट करना पड़ेगा. अभी फिर से आ गया हूँ Reliance Fresh. अपने बाइक को पार्क कर दिया. And आज सिर्फ और सिर्फ घूमने का ही दिन है. देखते हैं. तो आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर द वीडियो एंड यस सब्सक्राइब माय चैनल. लेट्स ग्रो आवर फैमिली.